दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दे लाइक, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने फोटो को कुछ इस टाइप के एडिटिंग करना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को साथ में लाइक कर दें। और दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल फ़ोटो को ओपन कर लेना है अपने गैलरी में और यहाँ से सेंड करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है फर्स्ट लिख कर, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर सन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना आप लोगों को और इसकी हाईलाइट्स को फुल कर देना है। तो यहाँ पे फुल करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाइट्स, इसको भी हल्का सा बढ़ा लेंगे और 16% या 17% रख देना है बस, और इस पर क्लिक कर देना है और इसकी जो मैक्स लिखा हुआ है ऊपर में उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं पैंट के कलर, तो यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू पे सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा अब ब्लू हो चुका है तो डार्क ब्लू, तो यहाँ पे सेचुरेशन इसको बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे पैंट का कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से हो चुका है। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है तो यहाँ पे ग्रीन कलर पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ह्यू को कर देंगे 98% और सेचुरेशन को -100% कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में येलो कलर हो चुका है तो येलो कलर पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी ह्यू को कर देंगे 98% और सेचुरेशन को पूरा -100% कर देंगे। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा हो चुका है ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पर फेस में थोड़ा ऑरेंज कलर है तो उस पर क्लिक कर देंगे और सेचुरेशन को कम कर देंगे, इससे गोरा हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं वाइटनेस हो चुका है, और इसकी फेस की कलर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो इसको लुमिनियस को जितना बढ़ाएंगे उतना कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। और देख सकते हैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा सेचुरेशन का कमी है तो यहाँ पर सेचुरेशन दे देंगे, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर सेचुरेशन सबसे नीचे है तो इस पर क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, इससे सेचुरेशन थोड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ से इस तरीके से कर लेना है। तो देख सकते काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पे नीचे वाले टूल पर क्लिक कर देना है इस वाले, और इसकी क्लियरिटी को बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके थोड़ा सा हल्का सा खींच लेंगे, 17% रख देंगे। ठीक है, और इसकी विग्नेट को भी हल्का कम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में जो साइड में ब्लैक कलर आ जाएगा इफेक्ट, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको कर लेने के बाद फिर नीचे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी शार्पनेसिंग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, करीब 10% के आसपास रख देंगे। ठीक है, और इसके नीचे आएंगे और नॉइज रिडक्शन में क्या करते हैं, फेस में जितना भी ये सब रहता है नॉइज, ठीक है, उसको स्मूथ कर देता है। और कलर नॉइज रिडक्शन में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में जो नॉइज रहता है उसको रिमूव कर देता है और बैकग्राउंड में क्रिस्टल जैसा इफेक्ट आ जाता है। तो देख सकते हैं पहले हमारा फ़ोटो कैसा था अब कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग को नीचे आना है और इस वाले टूल पर आप लोग को क्लिक कर देना और इसको ऑन कर देना है। तो इससे क्या होता है, लेंस प्रोफाइल करेक्शन, यहाँ पे जो आप ज़्यादा इफेक्ट ये सब डाल देते हैं तो ये सब करेक्शन कर देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आप जब भी एडिटिंग करते हैं तो ये वाले ऑप्शन को ज़रूर से ऑन कर दे, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तीन डॉट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे आना है और सेव टू ड्राइव लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना और ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। With the bills.